मरकुस रचित सुसमाचार तीसरा अध्याय। और वह आराधनालय में फिर गया और वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वह सब के दिन में उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा बीच में खड़ा हो और उनसे कहा क्या सब के दिन भला करना उचित है या बुरा करना प्राण को बचाना या मारना। पर वे चुप रहे और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हिरदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नाश करें। और यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और यहूदिया और यरूशलेम और इदूमिया से और यर्दन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है उसके पास आई। और उसने अपने चेलों से कहा भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे ताकि वे मुझे दबा न सकें, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। इसलिए जितने लोग रोग से ग्रसित थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे और अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थीं तो उसके आगे गिर पड़ती थीं और चिल्लाकर कहती थीं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट न करना। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास चले आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि प्रचार करें और दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार रखें। और वे ये हैं शमौन जिसका नाम उसने पतरस रखा और जब्दी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना जिसका नाम उसने बुअनर्गिस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा और अन्द्रियास और फिलिप्पुस और बर्तुलमई और मत्ती और थोमा और हलफई का पुत्र याकूब और तद्दी और शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। और वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी न खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो उसे पकड़ने के लिए निकले क्योंकि कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। और शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे कि उसमें शैतान है और यह भी कि वह दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। और वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा शैतान क्यों कर शैतान को निकाल सकता है और यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य क्यों कर स्थिर रह सकता है और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर क्यों कर स्थिर रह सकेगा। और यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह क्यों कर बना रह सकता है, उसका तो अंत ही हो जाता है। किंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को न बांध ले और तब उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। और उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा और भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया कि मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं। और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता हैं।